हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। अगर आपके पास इस तरह की खाली बॉटल्स मौजूद हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली खाली बोतल है, अगर आप उनको फेंक देते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उनको कभी नहीं फेंकेंगे। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज लेके आई हूँ, आप इसके हैक्स देख कर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने इस चारों बोतलों के ऊपर से कवर उतार देना है और सो आपने खाली बोतल एक लेनी है और उसके ऊपर बिल्कुल जैसे ये इसकी किनारी है, इसकी किनारी पर आपने इस तरह निशान लगाना है। निशान लगा के और फिर इसकी जो नीचे वाली साइड है उस पर भी जैसे एक छोटी सी किनारी बनी होती है उस पर भी आपने अच्छे तरीके से निशान लगाना है। जब आप इस पर निशान लगाएंगे और इसको फिर आपने कटर से काटना है। अगर आपके पास कटर मौजूद ना हो तो आप गर्म छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप गर्म छुरी इसके साथ लगाते जाएंगे तो इस तरह से अलग हो जाएगी। बिल्कुल आपने बोतल के ऊपर वाले हिस्से को भी इस तरह से कट करना है और फिर इसके नीचे वाले हिस्से को भी आपने कट करना है। इसी तरह से आप जब इसका नीचे वाला हिस्सा भी उतार देंगे और ये तीनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। जो आपने नीचे वाले हिस्से उतारना है आप इसे छुरी गरम के साथ या कटर के साथ इजिली काटना। बिल्कुल आपने ध्यान रखना इस बात का कि आपने जिस जहाँ पे आपने निशान लगाया है सेम वही वहीं से काटना है। आपने इसको जरा सा भी टेढ़ा नहीं करना वरना वो डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा। सो आपने दोनों को काट के ये दोनों हिस्से अलग कर लेने और जो बड़ा दरमियान वाला हिस्सा उसको आपने जाया कर देना है। उसके बाद आपको चाहिए होगी ये टेप, आप जो मर्जी टेप ले लें जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास ये कलरफुल टेप मौजूद थी सो मैंने इसका इस्तेमाल किया। आपने बोतल के नीचे वाले हिस्से सारे हिस्से पर टेप से अच्छे तरीके से कवर कर देना है। जब आप टेप को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो इसके ऊपर ये हिस्सा जो बोतल का ऊपर वाला है इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह अंदर इसका हिस्सा ऊपर वाला डालेंगे तो ये बोतल को आपने अच्छी तरीके से प्रेस करना है, जो टेप है वो इन दोनों के साथ चिपक जाएगी। इस बोतल को अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने लेना है ढक्कन। इसी बोतल का आप एक ढक्कन लेंगे और काविया को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें एक सुराख करना है। इस ढक्कन के अंदर आपने इतना सुराख करना है कि जो जो जिप लॉक टाइज है वो आसानी से इसके अंदर फिक्स हो सके। तो आपने इस तरह से टाई को अंदर ढक्कन के गुजारना है। गुजारने के बाद फिर इसका दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर बाद में दोबारा गुजारना है। दोबारा गुजारने के बाद आपने नीचे से इसको टाइट कर देना है। अगर आप चाहें तो ऊपर वाला हिस्सा छोटा बड़ा जितनी मर्जी हिसाब से रख सकते हैं। जब अच्छी तरह से नीचे से टाइट हो जाए ये टाई तो आपने यहाँ से इसको आसानी से कट कर देना है। जब आप इसको कट करेंगे तो ये ढक्कन अब आसानी से इस बोतल के ऊपर आ सकता है। इस डब्बे के अंदर आप बटन वगैरह कोई किचन वगैरह की कोई चीज, चाहे काली मिर्च हो, जीरा हो, खुश्क धनिया हो, आप आसानी से इसमें डाल के उसको महफूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बटन मौजूद थे जो मेरी शर्ट के थे तो उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था सो मैंने ये बनाया है और मैं अब इसको जहाँ मर्जी लटका सकती हूँ। हैंगर के साथ इजिली लटकाया जा सकता है और ये बटन भी महफूज हो। आज इससे बटन निकालना भी बहुत इजी है, आप देख सकते हैं कि ये इजीली निकाला जा सकता है। इस तरह से इसको आप कील वगैरह के साथ लटका के रख सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और बोतल को काटा और काटने के बाद फिर इसको ऊपर दोबारा एक और टेप है वो इससे कवर किया है। कवर करने के बाद आपने जो टेप है इसको हिस्सा काट करके जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर फिक्स कर देना है। आप जैसे इसके ऊपर फिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये टाइटली फिक्स नहीं होता तो आप इसके ऊपर ज्यादा टेप से कवर कर सकते हैं। अगर जितनी ज्यादा टेप लगाएंगे उतना ज्यादा महफूज भी हो जाएगा। इसी तरह से इस ढक्कन को आपने काविया के साथ गरम काविया गरम करके इसके ऊपर ऐसे सुराख करना है। सुराख करने के बाद आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से सुराख करने के बाद जो जिप लॉक टाइज हैं उनको आपने एक टाई आपने लेनी है वो इस ढक्कन के अंदर से गुजारनी है। वैसे गुजार के और इसको आपने अच्छे से टाइटली फिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी तो इसमें आप जो चाहे अपनी मर्जी से किचन की या होम की कोई भी चीज इजीली डाल सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों की टॉफियां भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इस जो टाई को थोड़ा सा लॉन्ग इसका ऊपर वाला हिस्सा रखूंगी ताकि ये ज्यादा अच्छा लगे। इस तरीके से आपने चारों बोतलों को वैसे काटना है और काटने के बाद जो चारों ढक्कन है उनको भी इस तरह से टाइज के साथ अच्छे तरीके से फिक्स करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे तो ये आपके चार तरह के ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएंगे जिसमें आप मसाला वगैरह कोई भी चीज, रेड मिर्च, नमक हो, कोई भी चीज आसानी से डाल के इसको रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको पर्स में डाल लें, कहीं भी आपने बाहर जाना है पिकनिक वगैरह पे तो आप इजीली ले जा सकते हैं। ये बहुत ही इजी
बनने वाला ऑर्गेनाइजर है। आप घर में माइक्रोनी वगैरह कोई भी चीज आपके पास मौजूद हो आप इसमें इजीली डाल सकते हैं। सो मैंने ये चार तरह की बोतल को काट के बनाया है और ये चार तरह के ऑर्गेनाइजर बहुत जबरदस्त तैयार हुए हैं। सो आप भी इस तरह के बनाएं ऑर्गेनाइजर और उनको इस्तेमाल करें। सो आप देख सकते हैं कि एक में मैंने ये छोटे छोटे बच्चे इनसे खेलते हैं, जो खेलने की चीज है जो आप आसानी से इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको कहीं भी मर्जी ले जा सकते हैं या किचन में कहीं भी रख सकते हैं, सेल्फ पर या कहीं कील वगैरह लगा के आप इनको इजीली लटका सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए इसमें टॉफियां वगैरह डालेंगे तो आप बच्चे बहुत खुश होंगे और उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो आप इस तरह से बनाए ऑर्गेनाइजर और बच्चे भी खुश रहेंगे और आपके घर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। आपको बाजार से महंगी महंगी चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से घर में ही बैठ के ऑर्गेनाइजर तैयार करें और अपनी लाइफ इजी करें। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी। सो मैंने ये चारों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे तो आप इनको इजीली कहीं भी रख सकते हैं। ये चाहे तो आप अपने किचन में मौजूद हैंगर के साथ भी लटका सकते हैं, जैसे मैंने लटकाया हुआ हैंगर के साथ। यकीन जाने ये देखने में बहुत प्यारे और नाइस क्यूट क्यूट से लगते हैं। मैंने इनके साइज बड़ा रखा है, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। ये चारों की लेंथ एक जितनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ताकि देखने में रखने में बहुत प्यारा लगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। पहले हमें चाहिए होगा एक अदद स्पंज। आपने एक अदद स्पंज लेना है, बर्तन धोने वाला स्पंज लेके। फिर आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा। आपके घर में और किचन में हर वक्त मौजूद होती है। ये आइटम बहुत ही सस्ती है, ये तकरीबन 10-20 रुपए में मिल जाता है। आपने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रिज की क्लीनिंग के लिए और स्मेल को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी आइटम है। सो आपने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा लेके आपने इस तरह से स्पंज रखना है। बहुत आसान सी टिप है, मैं आपको बताती हूँ। आपने बेकिंग सोडे के ऊपर, आपने स्पंज के ऊपर इस तरह से बेकिंग सोडा रखना है। जी हाँ, बिल्कुल आसान सी टिप है, एक मिनट में हो जाती है। इस तरह बेकिंग सोडा जब रखेंगे तो आपने फ्रिज के अंदर रखना है, चाहे ऊपर वाले हिस्से में रखें या चाहे तो आप नीचे वाले हिस्से में रखें। और यहाँ पे जब पानी आया करेगा तो ये स्पंज इसका जो पानी वो जज्ब कर लेगा और जो बेकिंग सोडा है वो अपनी खुशबू से इस फ्रिज की स्मेल को खत्म करता रहेगा। चाहे फ्रिज के ऊपर रखें या नीचे रखें तो बहुत ईजी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत इजी है, ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सो आपने स्पंज लेना, स्पंज लेने के बाद आपने इस पर छुरी से कट लगाने हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह छोटे छोटे कट लगा के इसको फोल्ड करना है। इजीली हो जाएगा फोल्ड। जब आप इसको कट लगाएंगे तो आपका बहुत बड़ा जो एक मसला है वो हल हो जाएगा। इस तरह कट लगाने के बाद आपको चाहिए होगा एक अदद चम्मच। चम्मच ले लें या कोई लकड़ी का कोई पीस ले लें, जो मर्जी चीज ले लें, उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से पूरी तरह कवर कर देना है। इस स्पंज को इस तरह कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई रबड़ या पोनी वगैरह कोई भी चीज आपके पास मौजूद है, आपने इसको अच्छी तरह से लगा देना है। ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा फिर आपने इससे ये जाली साफ करनी है फ्रिज की। फ्रिज की जाली साफ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसके ऊपर जो सुरुची वगैरह लगाते हैं तो उससे साफ दोनों साइडों से नहीं होती, बल्कि बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ नहीं होती। जो फ्रिज की जाली है उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए बहुत ही कमाल की टिप है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोगों की बहुत ही बड़ी मुश्किल हल हो गई होगी, तो अभी इसी से एक और आपको टिप बताती हूँ। अगर आपके घर वाटर वाली बोतल है, जो पानी वाली बोतल जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, या और कोई वाटर की बोतल है, तो उसको साफ करना आसान नहीं होता, तो आप यही सुरुचि ये वाली टिप लगा के इसी तरह से आप अपने घर में मौजूद पानी की बोतल को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। इसे साफ करना बहुत ईजी होता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ईजी है और उसको बनाना और इसको इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। के लिए भी आपको चाहिए होगा एक अदद स्पंज। आपने स्पंज लेना है, इसके अंदर आपने सुराख करना है और इतना सुराख करना है कि इसके अंदर आप आसानी से कुछ चीज डाल सके। सो बहुत इजी है, आपने इससे छुरी के साथ आपने इसके अंदर सुराख करना, बहुत इजीली सुराख हो जाता है। उसके बाद हमें चाहिए होगा नमक। आपने नमक लेना है और इस सुराख के अंदर इस सुराख खोल के बिल्कुल आपने आसानी के साथ 1 से 2 चम्मच इसमें नमक डालना है। जितना आप सुराख करेंगे उस हिसाब से आपने इसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि जो
नमक है वो बाहर ना निकले, वो इस सुरुचि के अंदर ही रहे। सो ये बर्तन वाली सुरुचि बहुत ही कमाल की होती है। एक तो इसमें ये खूबी होती है कि जितना भी ये पानी वगैरह होता है ये आसानी से जज्ब कर लेती है। सो आपकी फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा है या चाहे तो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे आप इसको रखें, आप इसको जब रखेंगे तो जितना भी जब आप पानी वगैरह बर्फ के कोले रखेंगे जितना भी पानी वगैरह वो जज्ब कर लेगा। जब ये भर जाए पानी से तो आप इसका पानी निचोड़ के इससे इसको साफ करके आप दोबारा भी आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। जो नमक है वो भी इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए वर्क करता है। सो उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियोस आपको बहुत पसंद आई होगी, खासतौर पर ये टिप एंड ट्रिक्स तो जरूर आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए टिप एंड ट्रिक्स लाती रहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।